शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शनि हमें सूर्य पुत्र कहते हैं, हम ग्रह कहलाते हैं प्लैनेट्स, और हम दो नहीं नौ हैं। ये कपड़े मेकओवर है, मेकओवर। आप ही लोग तो कहते हो ना, जैसा देश वैसा भेष। और भेसी क्यों, हम तो आपसे उसी भाषा में बतिया भी रहे हैं जो आपके दिमाग और जबान दोनों पे चढ़ी है। हाँ, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और आप लोग तुरंत आधा कटोरी सरसों का तेल दादा के ऊपर चढ़ाकर दो चार तिल के दाने फेंक कर चलते बनोगे। अरे मोतीचूर, नो मजाक। हाँ दादा, बस करो ना, सर पे चढ़ रहा है। कैसा सर है, होट डालना चाहिए। डीओ ना लगाओ तो तेल की बदबू तुम्हारे सर पे चढ़ती है, अब इसको लगा रहा हूँ तो इसकी खुशबू तुम्हारे सर पे चढ़ रही है। तो हम ग्रह लिखते हैं आप इंसानों के जीवन की कथा, कथा नानी की लोरी, टीचर की छड़ी की, बढ़ती बेरोजगारी की, टैक्स की चोरी की, एसएमएस का तूफान, इंटरनेट की चैटिंग, बिन बात की डेटिंग, अजनबियों की मीटिंग। कुछ नहीं छिपा हमसे, आपकी जिंदगी के हर एक पल का रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ भैया,
अगर इन सब का MMS बना के बाजार में फ्लोट कर दें, तो एक ही झटके में हम सब के सब वर्ल्ड के रिचेस्ट शख्स बन जाएंगे। MMS प्यार का और प्यार में हुई तकरार का। दादा दादा दादा, तकरार से याद आया उन प्रेमियों की। कौन से प्रेमी? राजन झा और कामिनी गुप्ता के। अरे हाँ हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल हमारी खास ड्यूटी लगी हुई है इन दोनों के साथ, खासकर उस लड़के के साथ। उस लड़के की कुंडली में मैं बैठा हूँ कर्म स्थान पर और ये मंगल बैठा है पत्नी स्थान पर। दादा नीचे कुंडली में मैं प्रबल हूँ कुंडली में। हाँ तो राजन झा और कामिनी गुप्ता पेशे से दोनों पेटर और आर्ट कॉलेज में एडमिशन होते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद दोनों साथ साथ रहने भी लगे और कामिनी गुप्ता जिसे कभी एक पूरे उम्र में काटा वो बेचारी दिन के उजाले में या किसी भी तरह के उजाले में ठीक से देख नहीं पाती, ये मोटे मोटे काले चश्मे लगाती है रोशनी से बचने के लिए, पर अंधेरे में क्या देख पाती है भाई गॉड, बिल्कुल उल्लू के माफिक। उसे अंधेरे में कलर्स भी दिखते हैं, कला जगत के लोग उसे अंधेरे के पेंटर के नाम से जानते हैं। इनकी दिनचर्या भी बिल्कुल उलट, दिन में सोना रात को जगना। जा चलो सोते हैं, कपाल भारती तो पूरा कर लें। कपाल भाती होता है और जल्दी करो। और उसका बॉयफ्रेंड राजन झा बेचारा जब कभी भी कोई सी भी पेंटिंग करने के लिए ब्रश उठाता है तो उस बेचारे से जाने अनजाने। ओह नो, फिर से औरत उसी रूप में। बेबी तुमने कहा था ना इस बार की पेंटिंग डिफरेंट होगी। वो तो कल बनाना शुरू करेंगे, इसका नाम तो रखेंगे हम नेकेड ट्रूथ। डोंट बी क्रेजी। ऑफ कोर्स आई एम क्रेजी, क्रेजी फॉर यू। क्रेजी ज। हां भाई तुम्हारे वाला क्रेजी ज। कभी राजन झा की पेंटिंग तो कभी उसकी अंग्रेजी तो कभी उसके जीने के तौर तरीके, इन सब बातों से आ जाता था कामिनी को गुस्सा। और दिन में सोना रात को जगना, मैनिपुलेशन से आर्टिस्ट के सर्कल में अपनी जगह बनाना और हर बात पे रोकना टोकना आदि आदि से राजन झा हो रहा था परेशान। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार हो वहाँ तकरार भी हो। हाँ और आखिर में हुआ ब्रेकअप। राजन झा अपनी इकलौती गर्लफ्रेंड कामिनी को छोड़ कर पहुँच चुके हैं पटना। तो चलिए तनिक देखते हैं कि झा साहेब पटना में क्या कर रहे हैं। देखो रे कमीनो, प्यारा सब परिवार है हमारा। हाँ। हम LCD, हमारी अम्मा HD, हमारी प्यारी सी गुड़िया DVD। गोद खिलाए। हाँ हाँ। हमसे कोनो GP मत लेना। GP? घटिया पंगा। अरे अंकल आप हमारी बात का विश्वास काहे नहीं करते हैं? तुम पर भरोसा करें, तुम पर। पिछली बार राम प्यारे की लड़की के लिए लड़का उठाए थे। हम बोले थे। कब? सब इनका ही चॉइस था। चुप। CKB। CKB? मतलब चूहे का बच्चा। भैया मम्मी पापा को बीच में ला रहे हैं, पिताजी को गरिया रहे हैं, उनको चूहा बोल रहे हैं। अरे चाचा ना होते ना तो यहीं पर टांग पर गोली मार देते अभी। अरे खड़े खड़े यहीं टांग पे गोली मार दूंगा तुम दोनों के। भाई अंकल बस बैठे बैठे। कौन हमारा बेटा को गोली मारेगा? अरे दादी कोई गोली नहीं मारा है, हम तो कह रहे थे कि लड़का अच्छा है, कमाई वमाई तने। अरे कुकुर मुत्तो सीधे सीधे बको, करता का है भूतिया। इसका टाइटल रखेंगे हिडिम्बा द मिस्ट्री गार्ल। माइथोलॉजी और मॉडर्निटी का काम मिलावट का कॉकटेल है। मुँ, मुँ, और, लगता है कुछ ज्यादा ही बुरे दिन चल रहे हैं। इन मंगल बाबा और शनि महाराज ने तो हमारी ले रखी है। ये मंगल बाबा ने दूर भगाया कामिनी से और अब ई कारनामे किए शनि महाराज ने। आज वैसे भी शनिवार है भैया और ना जाने का क्या लिखा है किस्मत में झेलने के लिए। अरे संभाल के जीता जी है। अरे कहाँ लेके जा रहे? अरे गड्ढे में गाली डाला तो हमारी जबान कट गई रे। हाँ दादी हम भी बोल रहे हैं। खाली है, जल्दी से शादी का तैयारी शुरू करो। ए मोहल्ले वालों दूल्हा मिल गया। अरे भगवान दूल्हे में छोड़ दो। चल घूर का रहा है बे,
बहिन भी आ रहे हैं, यही के नाते इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना ये आंख निकाल करके लड़का लोगों को दे देते गोटी खेलने के लिए। जल्दी से शादी वाला कपड़ा पहनो और शादी के लिए तैयार हो जाए। चलो देखिए, हम शादी के लायक ही नहीं है। अंकल प्यार है, प्यार प्रेम रोग। हंसी है ना अंकल, हम कह रहे हैं हम शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अपना मन किसी को दे चुके हैं। शादी मन से थोड़ा ही ना होता है, वो तो तन से होता है। हाँ। अरे जवाई राजा पहन लीजिए ना अंकल, प्लीज पहन लीजिए ना अंकल, प्लीज। अरे देखना अम्मा, घोड़ू मान नहीं रहा है। ए कारे नौटंकी का दुकान, ई का गुड़ गोबर मचा रखा है रे। पहन पहन, नहीं तो अभी नंगा करके पूरा मोहल्ला में लौंडा नाच करवाएंगे। पहन। तुम बांस ले लो। अरे भैया बात ही जा, अरे बांस तो आपको लेने के लिए कहा था, हमको काहे लटका दिए हैं मुर्गे की तरह। ये देखिए दादी की दुकान से पहले इतना बड़ा बांस ले लिया है, शादी के बाद क्या करेगा बेचारा। ओ महर, नहीं तो इन दोनों में कीड़े पड़ेंगे, जीआर हो जाएगा। नहीं करनी, नहीं करनी। अरे बेटा कहे नहीं है। ओ महर, देखो चलो सच के मांग, देखिए हम काहे नहीं करेगा, देखो काहे नहीं करेगा। कन्या के पिता का नाम बताइए, लक्ष्मी चंद दुबे। देखिए हम शादी के लायक नहीं है। कन्या का नाम बताइए। बेटे दुर्गा बिंदेश्वरी दुबे। आप तो रिमोट कंट्रोल पकड़ कर लाए हैं। अरे रिमोट कंट्रोल, ये जल अपने हाथ में ले। नहीं हम नहीं लेंगे। अरे बांस ले लिए हो, जल भी ले लो। अरे हम कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। ये लीजिए, अब ये जल यहाँ डाल दीजिए ऐसे। ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में ले। ले लो। लेंगे। अरे मान लो नहीं तो भैया काटे से कुत्ता बन जाओगे। अच्छा 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 अच्छा, ले रहे ले रहे। एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले, 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 हाथ में ले, ले, हाथ ही तो ले, ले हाथ में मारो बे। मान ले रहा है, ले लिया, ले लिया। इसे कहते हैं लतखोर। अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, मार पड़ो बात। ढीले के चक्कर में तुम लोग अपनी बहन से शादी करोगे का? अरे दादी ये तो हमारे प्राणनाथ हैं, तो हम ही इनको उठा के फेरे ले लेंगे। हाँ बहन, 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 ऐसा करो ना जैसे खेत से बोरा लाती हो वैसे। फालतू में विश्वामित्र बना है, अगर ये विश्वामित्र बना है तो तू भी मेन का बन जा। एक बात बोले भैया। बोलो जीजाजी, बड़े फट्टू निकले। बिक्की आज से हम इन्हें फटेस कह के बुलाएंगे। जीजू फटेस, उठो फटेस, जागो फटेस, फटेस कुमार उठो। पर एक बात बताओ, हमारी बहन ने ऐसा का किया? अब इतनी सी बात में किसी का टांग फिसल जाए तो कोई का कर सकता है। हमारा तो मूर फूट गया। बिक्की पैया ने टे बोल दिया, बताओ ये तो फुग्गे की तरह फूट गया है। चक्के के साथ यही प्रॉब्लम होता है। हटिए जीजा जी। अरे बिक्की देखो जीजा जी तो उठ गए, जल्दी करो जल्दी। अरे जीजा जी, अरे कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? अरे बहन से मिलने के लिए गज गज जा रहे हैं। बोला, 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 बोला।
दोनों पटरी है, कट जाएंगे दो हिस्सा में बट जाएंगे। अरे अरे रुकिए जीजाजी, अरे 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 गाय भैंस कट जाता है यहाँ पे, अरे आप भी कट जाएंगे। ओ मरे राजा, डिब्बा फुल है, एक ही सीट पे बैठ के जाते हैं हम दोनों। जीजाजी जीजाजी हो। हाय मेरे राजा, रुखसाना के एक चुम्मी पर, रानी का एक चुम्मा, फ्री फ्री। जीजाजी हो, ए चिरकुटो क्या चिल्ला रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। ए गजरे की दुकान, ए क्या बोला, जरा जबान संभाल के बात कीजिए, वरना हलक में हाथ डाल कर ना जबान खचक से खींच। हाय हाय क्या बोला बे, हम रीमा उसी के जुबान पे हाथ डालेगा, हम बताते हैं तुझे। अरे रुको 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 रुको, तुम लोग इनको ऐसे ही छोड़ दोगी क्या? अरे चैन खींचो। अरे अरे बे, इनकी नहीं गाड़ी की चैन खींचो, और जब इनके मामा आए तो उनको बताना कि ये मटन की दुकान और ये नकली शाहरुख खान दोनों चोरी कर रहे थे। चेन किसने खींचा? बता किसने खींचा? इन दोनों ने, और गाड़ी की नहीं मेरे गले की भी खींची। अरे लेके जाओ, नंबर एक के बदमाश है। हे राजन वहाँ में ऐसी लड़की से मिला जो जोर जबरदस्ती इसका नाड़ा खोलने लगी। वो तो अच्छा है कि बेहोश हो गया, नहीं तो आज ही रात इसका थैंक यू हो जाता। भूमिपुत्र, तुम भी कभी कभी बड़े हार्श हो जाते हो, यू नो वो क्लास नहीं है। आप में तो सब कुछ कूट कूट के भरा है, तभी तो आपके चलते ये लड़का जब देखो नंगी औरत बना रहा है। दादा वो डिओड्रेंट लगाना क्यों बंद कर दिया, सरसों के तेल की बदबू मेरे सर पे चढ़ रही है। यार डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ। कौन है? हम झा, राजन झा, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। ओ भाई साहब पैर दे दो, क्या कर रहे हो? एक मिनट, सवेरे सवेरे आ गए बेवकूफ बनाने। मैनू इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। दरवाजा तो खोलो, हमारी हालत ठीक नहीं है। अब क्या बताएं कि हमारे साथ कल रात क्या क्या हुआ है। पहले जोर जबरदस्ती करके हमें उठा करके ले गए, फिर बंदूक की नोक पर हमारे कपड़े उतार दिए, और हमारे तुम विक्टिम हो इसलिए दरवाजा खोल दिया मैंने। कितने आदमी थे? आदमी नहीं, एक औरत थी। अरे चश्मे वाले बहन जी, पैर दे दो यार। देर है ना पगड़ी वाले भाई साहब। और ज्यादा स्मार्ट ना बन, तेरे वर्ग 84 आंदे ने 86 जानदे ने। सॉरी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जा, यू आर टू मच, तुम बेहोश हो गए थे ना। So how can you be so sure? अरे उठने के बाद हमारी पूरी बॉडी शोर कर रही थी कि ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए। I'm sorry. अब तो पूरी जिंदगी हमें इस ट्रॉमा के साथ जीना पड़ेगा। ट्रॉमा? वही तुम्हारे वाला। But you didn't want to see my face. क्यों आए वापस? इससे पहले हर बार तुम ही तो ब्रेकअप करके जाती थी, हमने तो पहली बार ऐसा किया है। तो रूट कर सुमित्रा की तो घर जाती थी कुछ घंटों के लिए, तुम तो शहरी छोड़कर चले गए। अच्छा सॉरी। आगे से कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बात की ना तो फुल एंड फाइनल ब्रेकअप। नहीं हम क्यों करेंगे, हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ना करते। कामिनी सुनो ना। सोने दो यार झा, तुम्हारी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी। ये गर्मी की छुट्टी पर आए फौजी की तरह बिहेव मत करो प्लीज। mm.
जानू 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 जानू, कैसे हो जान? मर रहा हूँ तुम्हारी याद में हिचकियां मार मार के। जाने भी दो, कभी किसी बिजनेसमैन से प्यार करना ही नहीं। क्यों? हमेशा कुछ ना कुछ सामान बेचते ही रहते हैं। हाँ तो जानू, इस दुनिया में हर कोई अपना सामान बेच रहा है। मान लो अगर तुम केले बेच रहे होते तो कैसे बेचते? केले ले लो। और गेहूँ? गेहूँ ले लो। स्वीट हार्ट, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता और मजे लेके बोलो ना। केले ले लो और गेहूँ ले लो। ले ली। नॉटी। हम आज शाम को मिल रहे हैं ना? कहाँ? दिल्ली हाट में, बंगाली स्टॉल के पीछे अंधेरे में मिलेंगे। आओगे? अरे जानू जानू जानू, ग्राहक आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बेबी 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 स्वीटू, कब से तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारा फोन आ गया, देखो। अच्छा सुनो ना, आज शाम कामिनी ने अपने घर पार्टी रखी है, वो राजन जी है ना, उनके आने की खुशी में। आ गया वो भूतिया। स्वीटू डोंट बी मीन। अरे पड़ोसी होने के नाते हम उनकी खुशी में शामिल तो हो ही सकते हैं ना। अरे यार इन लोगों का भूतियापा मेरी समझ में नहीं आता। पहले लड़ेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे और फिर पार्टी देंगे। डार्लिंग आज शाम को जरूरी काम है, आज नहीं आ पाएंगे। कल कर लेना ना प्लीज। पर डार्लिंग। ओके 10 बजे तक आ जाओ ना। कोशिश करेंगे। बाय। विनोद जी, आज एक पैक तो बनता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको तो पता ही है ना, पिताजी ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। नींबू पानी है तो वो दे दीजिए। अरे नींबू पानी में थोड़ा सा वोडका डाल दीजिएगा तो पिताजी के संस्कारों पे नशा थोड़ा ही चढ़ जाएगा। अरे ले लीजिए ना। राजन विनोदनी जी, कैसा चल रहा है आपका वो खरगोश बचाओ आंदोलन? लड़ाई अंतिम चरण पर है। बताइए, ये बेजुबा खरगोश कुछ बोल नहीं सकते तो उन पर अत्याचार होता रहेगा। जंगल काटा जा रहा है जंगल, उनके खाने के सामान पर वैट लगाकर उनकी वाट लगाई जा रही है। मिनिस्ट्री के सभी लोगों से बात हो रही है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सड़क पर आकर जन आंदोलन करेंगे। इनकलाब। खरगोशबाद। मतलब वही जिंदाबाद। इनकलाब। खरगोशबाद। इनकलाब। खरगोशबाद। इनकलाब। विनोदी जी, आपकी ड्रिंक। मानव, तुम्हारी एग्जीबिशन का क्या? अगले महीने 27 को है। ए राजन, तू भी शुरू करना यार, दोनों भाई मिलके स्पेस शेयर कर लेंगे। अरे रहने दे यार, और फिर लोग हमें बोलेंगे परवर्ट। ये तो मुझे बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो इससे बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो मुझे ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो इसको बोल रहा हूँ। ये बोलता था ना कॉलेज में कि मैं एनाटॉमी से बाहर ही नहीं निकला, तो मैं इससे बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तो मुझे ही बोल रहे हो। बस बस बस, मैं तो इसको बोल रहा हूँ। एक बात कहूँ, ये मुफ्त की दारू का मजा तभी है जब तुम दोनों एक साथ खुश दिखते हो। प्लीज कामिनी। आई लव यू मेरी जान। चल एक गाना सुना दे यार, वही अपना पुराना घिसा पीटा। अरे यार हिज मास्टर भाईस का जमाना गया, 8 साल से वही गाना गा के हमारी आवाज घिस गई है। अरे सुना दे यार। अरे नहीं यार, हम बस मना कर दिए ना। अरे यार ये तार मचे। सपना ही माजी सपना आखी भैया, सपना ही माजी सपना आखी भैया।
दुनिया दुनिया सपनों के मेले में बाजे बाजे हारमोनिया सपनों के मेले में बाजे बाजे हारमोनिया सपना जो देखा तो चल पाया भैया सपना ही गाड़ी सपना ही पहिया सपना ही गाड़ी सपना ही पहिया करण की याद आ रही है यार बेबी प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ यू नो जब तक तू किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देगी ना तो ये ब्रेकअप के ट्रॉमा से उबर ही नहीं पाएगी ये क्या कह रही हो तुम माने कल ब्रेकअप किए हैं और आज शिकार ढूंढने निकल रहे हैं मिस्टर प्यूरिटन लाइफ में सोलमेट को ढूंढने की प्रोसेस में 3600 को ठुकराना तो ये भी बता दीजिए हम सोलमेट हैं या रूममेट हैं पानी प्लीज यू विल बी फाइन बिलीव मी सीरियसली थैंक यू वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं हम रूममेट हैं या सोलमेट हैं रूममेट क्या कम सोलमेट चलो अच्छा है आज ये बात क्लियर तो हो गई अरे हाँ कामिनी देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू आजकल आईएसबीटी के पास एक तिब्बती डॉक्टर बैठता है जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर पाने का दावा करता है really? You know, मेरी आंटी जो काफी साल से आर्थराइटिस से जूझ रही थी जो बिल्कुल बच्चों की तरह जमीन पे रेंग रही थी उसी तिब्बती डॉक्टर ने उन्हें ठीक कर दिया अब तो वो इतनी फिट है कि परसों दिल्ली मैराथन दौड़ने जा रही है वाओ ग्रेट यू शुड गिव इट अ ट्राई फॉर क्या पता फिर से तुम्हारी नॉर्मल आईसाइट वापस आ जाए नो नॉट एट ऑल थैंक यू सो मच आई डोंट वांट टू लूज माय आइडेंटिटी लोग मुझे अंधेरे का पेंटर कहते हैं क्योंकि मैं अंधेरे में पेंट कर पाती हूँ और इसीलिए फिजिकली चैलेंज समझकर मेरी पेंटिंग्स खरीदते हैं वरना तुम लोगों को तो पता ही है मैं कितनी बड़ी पेंटर हूँ आईसाइट वापस आ गई तो मेरा घर कैसे चलेगा अरे तो लोगों को बताना जरूरी है क्या कि तुम्हारी आंखें वापस आ गई नो एग्जैक्टली नो मैं रिस्क नहीं ले सकती आई एम सॉरी अरे अब भाई हम तो जरूर जाएंगे डॉक्टर साहब रात को लेटते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है पेट दबा दबा सा रहता है बीवी का वजन कितना है जी यही 90 किलो या तो वजन घटाओ या फिर बीवी को पेट में सुलाना बंद कर दो अब आए हो तो लेते जाओ खींच लो डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है अरे बाबा रिलेशन मत बताओ प्रॉब्लम बताओ बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने पैर की हड्डी तोड़ लिया कलाना कल इसके पैर की सारी हड्डियों को तोड़कर चूरा बनाएंगे फिर छोड़ देंगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब तुम इंडियन लोगों के साथ तो यही प्रॉब्लम है छोटी छोटी टूटन के साथ जीना चाहते हो अरे भाई हम तो इसी में विश्वास करते हैं कि पहले पूरा तोड़ो फिर जोड़ो ये तो मेरी आंखें निकल कर कुत्तों को खिलाते का चलो मैं कचरा बनाएंगे यार हम हैं पागलपन अरे सुनो सुनो नहीं सुनेंगे सुनो आए नेक्स्ट प्रॉब्लम किसको है और क्या है इनको है दरअसल इनको दिन के उजाले में धुंधला दिखाई देता है और रात के अंधेरे में बिल्कुल साफ दिखाई देता है ये पैदाइशी ऐसी है या फिर अभी अभी घटी है जी जहां तक हमें पता है पैदा तो ये ठीक ठाक ही हुई थी हुआ यूं कि हम आर्ट कॉलेज में थे और फर्स्ट ईयर की छुट्टी में हमें किसी जंगल में जाके वहाँ का लैंडस्केप पेंट करने का असाइनमेंट मिला वाओ झा जस्ट लुक एट इट क्या नजारा है देखना ऐसे ऐसे रंग भरूंगी ना कि इस ओरिजिनल नजारे से भी कमाल दिखेगी मेरी पेंटिंग आई एम सो एक्साइटेड हमारी तिब्बत में कहावत है अगर आप उल्लू को लाइट नहीं लेंगे तो उल्लू आपका लाइट ले लेगा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है थोड़ा टाइम लगेगा बी इन टच ओके एक मिनट अब आए हो तो लेते जाओ ओके सुनो ना आज मंगलवार है तो हनुमान मंदिर चल के दर्शन कर लें वो क्या है ना हमारा मंगल भारी है इसलिए तो हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं कुत्ता कौन
यार ह्यूमिलेट मत करो, हमारा मंगल तो सही में भारी है। तुम्हारा तो सब कुछ ही भारी है। हाँ सो तो है, जब पेट में थे तो पिताजी का माथा भारी हो गया, जब पैदा हुए तो अस्पताल का बिल भारी हो गया, और अब ये शनि और मंगल। हमने सुना है कि हनुमान जी का जब गदा चलता है ना तो भारी से भारी मंगल भी चूर चूर हो जाता है। देखो मुझे इन सब में विश्वास तो है नहीं, तुम बोल रहे हो तो चल लेते हैं। तुम हनुमान जी को आग क्यों मार रहे थे? अरे करोड़ों लोग और इकलौते हनुमान जी, बेचारे किन किन पे ध्यान देंगे? वैसे भी या तो लोग दोनों आंखें खोल के पूजा करते हैं या दोनों आंखें बंद करके, लेकिन हमारी पूजा देखने के बाद ना हनुमान जी को भी किरोष्टि होगी कि आंख मारू भक्त है कौन, इसे कोई तकलीफ तो नहीं है। सुनो ना, शनिवार को शनि मंदिर भी जाएंगे उन्हें आंख मारने। तुम भी ना जा, ये लीजिए जा, देखो ना मेहंदी वाली बैठी है, कितने दिनों बाद आया यहाँ पे, मुझे मेहंदी लगवा दो ना प्लीज। चलो ना, चलो इनको दिखाइए कोई बढ़िया सा। जा इसमें से कोई अच्छा सा डिजाइन सिलेक्ट करो ना। तुम खुद ही चूज कर लो ना। क्यों? पिछली बार चूज किए थे तो मेहंदी उतरने से पहले तुमने हमारी इज्जत उतार दी थी। नहीं लगवाने, चलो यहाँ से। अच्छा सॉरी, बैठो ना। दो वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा लोग लगवाते हैं? कहने लगे बिना पैसे हाथ नहीं लगाने को। अच्छा अबे धो के वाला दिखता नहीं है क्या? सुनिए हाँ, हू बहू जीजा जी का आवाज। हाँ भिक्की, हमको तो लगता है जीजा जी हम दोनों को पहचान गए हैं। बैठो। कैसे? अरे देखे नहीं कैसे बोल रहे थे, अंधों की औलादों। शिष्टाचार नहीं है कि सॉरी कह दें। देखो तो जीजा जी कैसे ललकार रहे हैं। ललकार नहीं, पुकार रहे हैं। अच्छा? कह रहे हैं कि पलटो हमसे सुलटो। तो सुलटे का? हाँ? अरे जीजा जी, जीजा जी, और जीजा जी, जीजा जी चाहिए। हाँ, हाँ। वो वहाँ मिलेंगे। अच्छा? जीजा जी वहाँ। अब चलो नहीं यही फल चिकना है, फिसल के गिर जाएंगे, हर गोल टूट जाएगा। ये दोनों तो मैं तुम्हारी नाड़ खोलू बीवी से मिलवा के ही मानेंगे, बट वैसे अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। दूसरी लड़की? मजाक में भी कभी ऐसा मत बोलना, हमारी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो। यार उमड़ रहा नहीं, है। नहीं टपक रहा है। क्या कह रहा था? हनुमान जी के गदा से मुझे चूर चूर कर देगा बेटा, ऐसा बजाऊंगा ना तो बजता ही रह जाएगा। शांत भूमि पुत्र शांत, रोमांटिक मोमेंट को यूं मिट्टी में ना मिलाओ, अरे माहौल को थोड़ा गर्म कर देते हैं। चलो एक लव सॉन्ग का मजा लेते हैं। सुनने में मजा है, बदलते हुए मौसम।
मौसमों की मीठी सी सदा है। कुछ तो हो रहा है धीरे धीरे, ये क्या हवाओं में सोना खुल रहा है, या चांदनी में खुशबू नाचती है, ये मंद मंद झोंके कहानी गुनगुनाते, ये फूल के किनारों से तितली झांकती है, ये कुछ तो हो रहा है धीरे धीरे, ये कुछ तो हो रहा है धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। दोनों ने बड़ा मजा कर लिया यार। कर लिया नहीं दादा, करने दिया। और अगर इसी तरह से हमने अपनी मनमानी की तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कुंडली के हिसाब से अभी इनके बीच में भसुड़ी फैलनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो फैला देते। हे कामिनी सुनो ना। What? ये दिल मांगे मोर। इतना रोमांस करने के बाद भी मन नहीं भरा। जा, what's wrong? चलो ना। जा? आज फिर से एक बार गुनाह कर लेते हैं। Stop it, जा। What rubbish, जा? अरे वो सॉरी, थोड़ा सा जज्बाती हो गए थे। तुमसे एक प्रश्न तक तो संभाला नहीं जाता, लड़की क्या संभालोगी यार? नहीं वो तुम्हारा वेट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे तो। मैं मोटी दिखती तुम्हें? Stupid you are। अब पेंटर तो बन नहीं पाए हैं, खाके बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। कामिनी, आई एम कमिंग बेबे, आर यू लिसनिंग? वाओ, मेरे हाथ से फिर से एक अजूबा बन गया। कलर्स का क्या इस्तेमाल किया है मैंने। छा, जस्ट लुक एट इट। छा, जा। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बन गई क्या? ड्रामे बंद करो, नहीं दिखानी मुझे तुम्हें अपनी पेंटिंग, जब तक सोते रहते हो। व्हाट द हेल यार? अरे क्या हो गया यार? अरे आंख ही तो लग गई थी। जब देखो बक 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 बकाओ बकाओ पक 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 पकाओ पक 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 पकाओ पकाओ पक 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 पक। मत कर यार, फालतू मेरी डेट करके रखा है। अरे तो चिल्ला क्यों रही हो यार, सो ही तो रहे थे, कोई क्राइम थोड़ा ना किए हैं। सोने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? और मुझे तो लगता है कि उल्लू के काटे की वजह से तुम्हारी आंखों पर नहीं तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया। उल्लू के बारे में कुछ कहा ना, जाओ ढूंढो उस उल्लू को और पैर धो के पानी पियो उसका, उसी की वजह से इतनी बड़ी पेंटर बनी हूँ मैं। घर चलता है ये। पेंटर बड़ी पेंटर, बुरा लग रहा है, दुनिया तुम्हें नहीं मुझे जानती है इसलिए। देखो तुम हमारे अंदर के पेंटर को गाली दे रही हो। तुम्हारे अंदर पेंटर नहीं छुपा है, एक हवस का पैंथर है। गलती से अगर तुम्हारी एग्जीबिशन लगी ना आर्ट गैलरी के बाहर, पता है बोर्ड क्या लगा होगा? ओनली फॉर एडल्ट्स। हमारी बात सुनो पिकासो की पोती, हमें तो लगता है तुम्हारे दोनों हाथ काट देने चाहिए। क्या? हाँ अजूबे बनाती हो ना, तो अजूबे बनाने वालों के तो हाथ कटवा दिए जाते हैं, जैसे ताजमहल बनाने वालों के औरंगजेब ने हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। हाँ एक ही बात है, दोनों एक ही खानदान से थे ना। बुलाएं बुलाएं दिल्ली 6 के औरंगजेब को, कटवाए तुम्हारे हाथ ताकि हनुमान मंदिर के बाहर चश्मे वाली लूली बन के भीख मांग सको। दे दो दे दो। हेलो, ये झांसी की रानी वाली आवाज में क्यों बोल रही हो? अपने दोस्त से पूछो। हमसे क्यों पूछवा रही हो, सच सच बताओ ना। यू स्टार्टेड इट। अरे हमें अब्यूज किसने किया था? अब्यूज? गाइस गाइस रिलैक्स, कल शाम को हमारे आर्ट कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट्स मीट है, 4 साल के बाद हो रहा है, कुछ प्लान करो यार, मस्ती करते हैं। तब तक तुम लोग सीज फायर कर लो, और इस फंक्शन के बाद मैं तुम दोनों को बारी बारी से याद दिला दूंगा कि तुम लोगों को लड़ना है। यार तेरे चक्कर में ना हमेशा मैं पॉइंट भूलती हूँ मानो। इतनी भुलक्कड़ नहीं है तू। ओके ओके ओके, इस बार मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। अच्छा कामिनी, तुमने उसे लास्ट में क्या कहा, मतलब मेरा फोन आने से पहले? बोलना बोल, चुप क्यों हो गई, बोलना बोल। हाँ डरती मैं तेरे दोस्त से, बोलना। मैंने कहा था शद देखे सुने। बहुत अच्छे, गुड पॉइंट। हाँ और तुम राजन, तुमने क्या कहा? अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था यार। हाँ कहने वाला तो था ना। बेचारे ने कुछ कहा तो नहीं ना। मानव दोस्त की तरफदारी करना बंद करो, मुझे पता है ये जरूर मुझे कहता। ओके
गुड पॉइंट। तो मैं तुम दोनों को बारी बारी से याद दिला दूंगा कि तुम दोनों को लड़ना है। राइट अब तुम लोग एक काम करो, कुछ प्लानिंग व्लानिंग करो, कल मस्ती करते हैं। चलो बाय। सुनो क्या है? बीच। हाँ बीच। यहाँ दिल्ली में तुम बीच ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं वही, वो जो तुम मानव को कह रही थी, जो हम कहने वाले थे हमने कहा नहीं था, वही वाला। ओ क्या ये होश होने वाला जोश सिर्फ कला ही दे सकती है। एक बार बचपन में कला के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो, यकीन जानिए तब से अब तक वो रोंगटे खड़े के खड़े ही। ये गेंडा तो कला की लेके रहेगा। कुछ रोंगटे तो बढ़कर बाल बन। हेलो भाई, छोटे दरवाजा बंद कर देंगे, कानों में से खून निकलना बाकी रह गया। बंद कर दीजिए प्लीज। चीज रहने दो, जिस करें। ताज में गेंडा इतना पुराना हो गया, लेकिन 15 साल से इसके भाषण में फुचका पर कामा तक नहीं बदला है। बल्कि कॉलेज चेंज सो मच ना, हमारे टाइम कितना अच्छा होता था। अब तो बाबा जी का कैंटीन में बार काउंटर खोल दिए जुड़ना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट जो हैं दो बूंद पिए और एक कलर को 6 कलर समझ ले। मैंने सुना इस साल ये गेंडा रिटायर होने वाला है। अरे रिटायर विटायर कुछ नहीं होने वाला, गेंडा जाएगा, अंडा बिठा जाएगा, पूरी तरह जुड़ा हुआ। अरे मतलब कि अपने किसी चेले चपाटे को बिठा जाएगा। हाय एवरीबॉडी, ये शिवालकर तो रॉकस्टार बना हुआ। इसी की कमी रह गई थी, दूसरों की पेंटिंग पे अपना नाम छाप के बेच देता है, पैसा भी कमाता है और बड़ा पेंटर भी कहलाता है। कामिनी हाय। हे राजन, हेलो। तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। कामिनी से ही बात कर लीजिए ना, तुम दोनों से बात करनी है। कम ऑन यार, हम फिर खड़ा करेंगे यार। चाचा हाय, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सर। यार तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हे, कला को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मलेशिया वाले स्टूडियो में जाके पेंटिंग करोगे? ये सीडी 10,000 pounds पर मंथ बनूंगा। मैंने तुम्हें ये ऑफर इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारी जोड़ी मुझे अच्छी लगती है। पर एक बात है, डील तो मालूम है ना तुम लोगों को, पेंटिंग तुम्हारी, नाम मेरा, और हाँ 4 दिन निकलना होगा। Is it okay? Sure, we'll go. Thanks so much for the offer. God bless you both. अरे बोलिए ना। अरे बस करो यार, हम इस नॉन टैलेंटेड आर्ट माफिया में शामिल नहीं होना चाहते। तुम्हें पाउंड्स में उलझना उलझो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे बस। और वैसे भी अब पेंटिंग के नाम पर, आर्ट के नाम पर जब हम नंगी औरत बनाएंगे तो उसमें तुम्हें हमारा प्रवर्जन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका तुम्हें पैसा मिलेगा। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी। ये बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातों से आप हमारी छोटी छोटी खुशियां मत छीनिए। जस्ट शट अप। क्यों क्यों सेट अप रहे? क्यों सेट अप रहे? हमें बताइए क्यों सेट अप रहे? बताइए। पेंटर बनने आए थे हम, लेकिन तुम्हारे ये भद्दे मजाक की वजह से हमने पेंटिंग ही छोड़ दी। तो दुनिया में यही काम बचा है क्या? दुनिया वाले काम करने के लिए ना दुनिया वालों से दुनिया वालों के टाइम पे मिलना पड़ता है, लेकिन यहाँ की तो बात कुछ और है। रात को जागते रहो उल्लू की तरह और सुबह सोते रहो बुड़बकों की तरह। तो मेरी वजह से आप निकम्मे हो गए। हाँ तो घर में रहकर भी क्या कंट्रीब्यूट कर दिया तुमने? क्या? Now don't say कि तुमने खाना बनाया, क्योंकि वो तुमने इसलिए बनाया क्योंकि वो खाना तुम्हें खाना होता था। वो तुम्हारा ब्रेडी, सत्तू का पराठा, लिट्टी चोखा और वो पता नहीं क्या सब बकवास खाना। एंड माइंड यू, जो पराठे तुम बैठकर तोड़ते हो ना, उसका सत्तू मेरे पैसे से आता है। जिंदगी भर तुम्हें बैठाकर पालने का ठेका नहीं लिया था मैंने। क्या कहा? पालने का ठेका? आज इतनी बड़ी बात बोल दी, अब हम 1 मिनट भी यहां नहीं रहेंगे और तुम्हारी एक एक पाई करके हम सारी उतार देंगे। जा रहे हैं। ओ पाई पाई, पहले शर्ट उतार के जा जो मेरे पैसे से आई है। चल। इतना गुरूर नहीं चाहिए। ये ले। पैंट भी सब मेरे पैसे से आया। पागल हुई हो क्या? मानव के घर नंगे बदन जाएंगे। नंगे होगे ना तभी दुनियादारी की समझ आएगी तुमको बच्चू। बच्चू ये ले, ये ले। लाइट माय फायर। अब ढूंढ लो अपनी फायर लाइट करने वाला ना, ढूंढ लो। अब राजन झा तुम्हारी फायर को लाइट नहीं करेगा। जा रहे हम। हाँ जा ना। ठीक है जा। ये नाइटी दे। क्या? ये तो हमने दिलवाई थी ना 3 महीने पहले तुम्हारे बर्थडे पे। झा जस्ट शट अप एंड लीव। मानव से पैसे उधार ले। झा जस्ट लीव। देना देना। नो, बचाओ। हाँ, बचाओ। देना। अश्लील आदमी निकलता है। अब लगाओ 100 नंबर पे फोन। मिला दो 100 नंबर पे फोन, क्योंकि हम तो कहीं पे फोन मिला नहीं सकते है ना, हमारे लिए तो कोई नंबर है ही नहीं। जा रहे हम।
और तू तू काम ही नहीं, नहीं। तू बहुत बड़ी, तू वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तू मिस, तू ग्रेट, जा जा रहे हैं हम, मजाक नहीं कर रहे हैं कामिनी, हम जा रहे हैं फुल एंड फाइनल। हाँ हम फुल एंड फाइनल जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, काम कर रहे हैं, आज के बाद हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे कभी भी, हम कह रहे हैं। तबीयत नासाज है क्या दादा? अरे ब्रह्मा जी का वरदान है हमें, हमारी तबीयत को कुछ हो सकता है क्या? जरा गला साफ कर रहा हूं। अरे लड़का रो रहा है, बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग का माहौल बन रहा है, जमाते हैं। बांसुरी की कह रही है सुन जरा, धुन उदास बांसुरी की कह रही है सुन जरा, मेरा तो सुन जरा फाइनल हो गया यार। आखिरी है वक्त ये देखता हूँ मैं तुझे, आखिरी है वक्त ये देखता हूँ मैं तुझे, आखिरी है वक्त ये तू भी मुझको देख ले, रब न जाने फिर कभी हम मिले ना मिले, रब न जाने फिर कभी हम मिले। बेटा राजन से एक बार बात तो कर लेती। 100 बार कह चुकी हूँ माँ, आई हैव मूव्ड ऑन, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बेटा तुम्हारा ये नाटक मैं सालों से देखती आ रही हूँ। अपनी जिद के सामने तुम किसी की बात ही नहीं सुनती, सारी गलती हमारी ही है। बचपन से तुमने जो करना चाहा हमने तुम्हें करने दिया। तुम आर्टिस्ट बनना चाहती थी सो बनी, तुम राजन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी सो रही, अब बेचारे के साथ एक बार तो। माँ आप लोगों को मिलना है मुझसे या नहीं? ऑफ कोर्स मिलना है बेटा, पापा और मैं तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहे हैं। तुम आओगे तो हम तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे, प्लीज कम। बाइक की चाबी देगा। तुझे क्या लगता है वो रुक जाएगी? बस आखिरी झलक देखना चाहता हूँ। मिलकर खाते हैं। आउच! जा बाहर निकलो, तुम्हें तो पता है दिन की पहली चाय मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। और प्लीज ये पॉटी करते टाइम गाना मत गाओ जा। जा तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। अरे गुस्सा मत हो, बांध तो रहे हैं ना। जल्दी करो, थोड़ा टाइट। हाँ हाँ टाइट कर रहे हैं, ये देखो ये बन गया फ्लावर। वेलकम बैक राजन, मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मैंने लैंडलॉर्ड को 2 महीने का नोटिस दे दिया है।
एडवांस रेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने अपना सारा सामान मम्मी के घर भेज दिया है और तुम्हारा सामान बेसमेंट से लाकर घर में लगा दिया है। तुम्हारे लिए 25,000 छोड़े जा रहे हूँ। क्या करूँ, सिर्फ इतना ही मैनेज कर पाई। तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताए मोमेंट्स मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, पर मेरे लिए इट्स ओवर। मैं अब दोबारा कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। आपको संभालो। अरे भाई, हम ब्रह्मा जी के रोबो हैं, हम इमोशनल नहीं हो सकते। अरे दादा, मुझसे उस लड़के की हालत देख के नहीं जा रही है दादा। देखी नहीं जा रही, लेकिन संभालना पड़ेगा अपने आप को। संभालो आप। देखिए, आप लोग हमें ऐसे मत देखिए। सैकड़ों सालों में कोई ना कोई हम में से थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है। नहीं, अरे मंगलू मेरी बात सुनो, मैं ये समझा। आप लोग भी जरा 10 मिनट के लिए बाहर होइए ना, तब तक मैं इसको मूड में लेके आता हूं। 10 मिनट, ज्यादा नहीं, प्लीज। मंगलू मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था। अच्छा है, इससे हमारी प्यास भी बुझती रहेगी और आपको बदबू भी नहीं आएगी। बढ़िया जुगाड़ किया, बढ़िया जुगाड़ किया। अरे दादा, पूरा ब्रह्मांड जुगाड़ पे चल रहा है। एक मिनट, हमें लगता है कोई हमें देख रहा है। कोई नहीं दादा, कई देख रहे हैं। तो लोग आ गए भाई। सॉरी, 10 मिनट का बोला था, थोड़ी देर हो गई। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, आगे बढ़ाते हैं राजन झा की कहानी। हमारी जुबानी। आज के बाद हम कोई नाड़े वाला कपड़ा पहनेंगे ही नहीं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। विनोद ने दिया है, but विनोद नी likes it. I तो love it. Oh yes. पर स्वीटू। Yes. सेहरा कब बांधोगे? डोली कब उठेगी मेरी? ठीक है, थोड़ी मॉडर्न हो गई हूँ और इसीलिए एक बिस्तर पर रह लेती हूँ, लेकिन एक छत के नीचे रहने के लिए हमें शादी करनी होगी। पिताजी ने संस्कार ही ऐसे दिए। सुना, अगले सावन में तेरी कह के लूंगा। वाओ, हथियार वाली महिला, इतनी क्यूट। कितनी बार कहा है मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाया करो स्वीट हार्ट। You know I don't like it. ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो राजन जी का नाश्ता है, मुझे देर हो रही है, उन्हें जगा दूं क्या? चलो चलो, ठंड के पास चलो। स्वीट टू, कहाँ खो गए? कब तक परेशान रहोगे? 15 दिन हो चुके हैं मैन, मूव ऑन। वैसे एक बात कहूं, ये जो लड़कियां होती हैं ना, बड़ी नखरीली होती हैं। लड़कों से प्यार करो, इट्स डिफरेंट। मेरा मतलब, शुरू शुरू में परेशानी होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। अबे तुम आइटम क्या हो बे? आई एम अ मल्टी फैसेटेड मल्टी पर्पज क्रीचर लाइक अ मल्टी पिन प्लग। 1, 2, 3, 4 कहीं से भी कनेक्शन कर लो। करंट आना मांगता है। करंट मांगता है? यस। करंट मांगता है? यस। चल गया, 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 च
मुंह नहीं दिल। जलाओ ना, जलाओ ना राजा। अरे रुक क्यों गए, ये लाओ लाओ जलाओ ना। गुस्से में तुम कितने रंगीन लगते हो, मैं शाम को फिर आऊंगा फिर से जलाना। मछली पकड़ रहा है, हमको सब पता है। हमारे पैसे से तुम लोग वहाँ मौज कर रहे हो। गजनवा तो नहीं, किसी चुड़ैल के चक्कर में जरूर पड़े हो तुम लोग। ए चुप करो, ए जीजी याद रखना। जीजी गोल पे गोली। बाप रे, दीजिए भैया ला दो ना हमारे प्राणनाथ को। हम सच्ची कह रहे, इस बार ना हम उनका नारा नहीं खोलेंगे। ला दे। ए बेटी खोरो, 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस घोड़ू को यहाँ नहीं लाए तो जितना पैसा तुम लोग पे खर्च किए हैं ना, पाई पाई तुम्हारे बाप से उसूलेंगे। एक छोटी सी लव स्टोरी थी, उसमें भी रायता में ला दिया। क्यों क्यों भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? सॉरी टू से, करोड़ों साल से राज करते करते आप सठिया गए हैं। अरे रिटायरमेंट काहे नहीं ले लेते? हमको एक नए भगवान की जरूरत है जो हमारी इमोशंस को टाइम नहीं समझ सके। मेरी भी एक छोटी सी लव स्टोरी चल रही थी, उसमें भी रायता फैला दिया। क्यों क्यों क्यों? ये तो कोई आवाज बदल के हमारा मजाक उड़ा रहा है। सॉरी टू से, पर करोड़ों साल से राज करते करते ना तुम सठिया गए हो, रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते अब? Excuse me? क्या है? देखिए हमारा मजाक मत उड़ाइए। मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? नवीन से ब्रेकअप के बाद ना दिन कट रहा है ना रात, इसलिए इस भगवान से बात कर रही थी। यहाँ पर ही बैठकर नवीन ने मुझे प्रपोज किया था। किस किया था? Excuse me. बोलो। तुम क्यों रो रहे हो? हमें भी अपने ब्रेकअप की याद आ गई। सुनो, क्या भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए भेजा है? जब तक तू किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देगी ना, तो ये ब्रेकअप के ट्रॉमा से उबर ही नहीं पाएगी। माने कल ब्रेकअप की है और आज शिकार ढूंढने निकल रहे हैं। लाइफ में सोलमेट को ढूंढने की प्रोसेस में 3600 को ठुकराना पड़ता है। हेलो, मैंने कहा लेट्स बी फ्रेंड्स, कम ऑन। मजा नहीं आया। दादा को भी इसी टाइम उड़न छू होना था। देवताओं के साथ 2020 का क्रिकेट मैच है, नेट प्रैक्टिस चल रही है, दादा कप्तान होके गायब। मुझे उप कप्तान पर सारा लोड। हमारी तो टीम ही पूरी नहीं है, 11 की जगह 9 हैं। कई बार ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि डियर ब्रह्मा जी सिर्फ 2 ग्रह इशू कर दीजिए जो केवल क्रिकेट खेलेंगे, और मैच खत्म होते ही हम उन ग्रहों को बाइज्जत आपको लौटा देंगे। हमारी कोई सुने तब ना। माय ब्रो, जय माता दी। व्हाट्स अप? अंग्रेजी मत झाड़ो, 2 दिन का कह के 25 दिन के बाद वापस आ रहे हो, अंग्रेजी मार रहे हो। अरे भाई, लड़की को मलेशिया में सेटल करवाना था ना, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। लड़का कहाँ है? आप तो चले गए लोड दे के मुझ पे, है ना? 2020 का मैच चल रहा है, सोचा इतना लोड ले नहीं पाऊंगा, लड़के को थोड़े दिन ढील दे देता हूँ, थोड़ा मौज करने देता हूँ, मस्ती करने देता हूँ, एक लड़की से मिला दिया। जानू, जानू,
पर दोनों बड़े फास्ट निकले। जानू बाबू, I must say, you're too good. आखिरी वाला काम पहले हो गया और पहला वाला काम अभी हो रहा है। तुम कौन? मैं जानू। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है जानू? झा, राजन झा। स्वाति पोपली। यार मंगलू, मैं सोच रहा था कि अपना ये T20 खत्म होने तक इनको जरा सी ढील दे देते। ओ जानू, कम क्लोज ना। ओ जानू, अब ये जानू, ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये घर मेरी पम्मी आंटी का है जो दुबई में रहती है, मगर इसकी चाबियां हमेशा मेरे पास होती है, एनी टाइम, यू नो। एक बात बताओ, तुम ना बहुत किस्मत वाले हो, कितनी आसानी से तुम्हें ये सब कुछ मिल गया ना। किस्मत? किस्मत? तुम्हें नहीं पता मेरी किस्मत के बारे में? मेरी किस्मत बहुत टेढ़ी है। मेरी किस्मत? मेरी किस्मत, 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 फूटी किस्मत। धीरे 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 आए दोनों आंखें चमकाए, कभी हीरो कभी जीरो जैसे मुझको बनाए। बल्ले में रखूं आलू निकलता है टिंडा, ले काम करने जाऊं पीछे पड़े डंडा। ले ले मेरी ले ले तू पूरी तरह ले ले, तेरे होते मेरे संग दूसरा क्यों खेले। साथ में रहती है फिर भी है सिंगल, अखियों से बोले बोले फ्री टू मिंगल, बेइज्जती में ना हो फिर भी बड़ी सोशल लाइफ, बिना डोर उड़े तेरी पट्टी पट्टी काई। मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। चल हट मत खट, ज्यादा बोल मत, मुंह खोल मत, तेरी घड़ी की मिल गई किस्मत, किस्मत। अरे नकली है obviously, पर देख के कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे ये चाबियां? दुनिया कहती है अपनी चाबी किसी को मत दो, लेकिन यहाँ जो सज्जन रहते हैं ना, वो कहते हैं उनकी कोई भी ले ले, कभी भी ले ले, कहीं भी ले ले। चाबियां, द आर्ट विलेज का नाम सुने हैं जो GK2 में है? हाँ हाँ, इनफैक्ट सुना ही नहीं है, मैं तो वहाँ गई भी हूँ। तो वहाँ के जो ओनर है ना, वो यहाँ रहते हैं और उनका गोडाउन भी यही है। ओह रियली? मोनालिसा? हाँ चलें। कहाँ? लग रहा है ना किसी गरीब आर्टिस्ट का घर है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे जानू का घर है। जानू बाबू, जानू 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 बाबू बाबू बाबू, आ जानू। ओ बाबू जानू। उल्लू की फोटोग्राफ यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ याद तो आती है ना। किसकी? उन सब बुरे दिनों की, इमोशनल बलात्कार की फोटो तो इसी दिन के लिए लगा के रखी हुई है, ताकि ये चश्मिश भी तो देखे कि हम कैसे प्यार करते हैं खुल्लम खुल्ला। अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। तुम वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर सतपाल पोपली को जानते हो? वो ओह हेलो, वो मेरे डैड है। तुमने हमारी पूरी बात ढंग से सुनी ही नहीं ना बाबू, हम वही तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो को मारने वाला। ओह तो ठीक है। तो तुम दिल्ली पुलिस के अब तक 56 की बेटी हो। एक सीक्रेट बताऊं? मेरे पापा ना अब तक 56 नहीं, अब तक 52 है। वो 56 में से ना 4 एनकाउंटर्स फेक हैं। वो 4 तो बेचारे मेरे बॉयफ्रेंड्स थे। मर गए। अरे लगी क्या? मतलब
उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो तुमसे प्यार करते थे। अरे नहीं नहीं, उनका कसूर ये था कि उनकी जिंदगी में ना मुझसे पहले कई लड़कियां आई थी। एक्चुअली मेरे डैड का एक उसूल है, उनकी लड़की की जिंदगी में ना चाहे शादी से पहले शादी के बाद जितने लड़के आएंगे चलेगा, लेकिन उनके दामाद की जिंदगी में एक लड़की के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्वाति होनी चाहिए। इसलिए कह रही हूँ इस उल्लू की पिक्चर ना जल्दी से निकाल दो वरना। हाँ बोल। हमें फिर से प्यार हो गया यार। अबे किससे? लड़की से। चलो नॉर्मल है। अबे करती क्या है ये? प्यार यार। अबे प्यार के अलावा करती क्या है? अरे प्यार से फुर्सत होगी तब ना कुछ करेगी। एक बात बताएं। अब हमारा भी जिंदगी में पहली बार कुछ जिम्मेदारियां उठाने का मन कर रहा है यार, कुछ काम वाम करने का मन कर रहा है यार। हाँ गुड, पेंटिंग शुरू कर दे, 15 दिन बाद मेरा एग्जीबिशन है। दोनों भाई मिलके कर लेंगे, क्यों नहीं यार। हमसे तो फिर वही नंगी तस्वीरें बनेंगी और वो उल्लू की मारी मलेशिया में बैठी हम पे हंसेगी। तू टुच्चा है क्या बे? वो तुझे छोड़ के चली गई और तू उसके साय को अपनी छतरी बना के घूम रहा है? तो क्या कहते हो, छतरी हटा दें? और नहीं तो क्या? दिया रिक्शा, हौचकास हौचकास। अरे 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 भाई साहब, बोल दिए ना हम जानबूझ के अपने आप को मौत का कुआं में नहीं झोंकेंगे। अरे प्लीज प्लीज जीजाजी प्लीज मान जाइएगा। अरे नहीं बोल दिए हैं। अबेल तुम्हारी वजह से हमारे हाल हुआ और तुम कह रहे हो नहीं जाएंगे? हम क्या करें, हम चलाते हैं, राज भैया चलाते हैं, हम बता रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों एकरा को कोनो सुनसान जगह पर ले चलते हैं और वहीं पर इसका करते हैं। आ जाता है आर या पा। रखेंगे द इम्प्रिंट्स। बाबू चलो भाई अपना तो काम खत्म, 12 बजे से एग्जीबिशन शुरू, लोगों की शाबाशी और क्रिटिक्स की बकवास। प्रभु देवा से डील, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रभु देवा कौन है? प्रभु देवा अरे हम जैसे गरीब कलाकारों के माई बाप, द ग्रेट आर्ट लवर, आर्ट प्रमोटर, अगर उन्हें किसी का काम पसंद आ गया ना तो समझो वो तर गया। उसकी पेंटिंग्स की मार्केटिंग की जिम्मेदारी उसकी, डॉलर्स और पाउंड्स में पेमेंट होती है। अरे कहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते, क्यों मानव? चल यार मानव हम चलते हैं। ये एग्जीबिशन तेरा भी है? अरे यार सिंगल पेंटिंग का आर्टिस्ट है, क्या करना है। ओके सो स्वाति इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, सी यू सून, बाय। गले मिल रहा हूं। गले मिल रहे हो? हां भाभी हैं तुम्हारी दुशासन के। यम्मी डेलिशियस, यू कुक सो वेल।
ये लीजिए। तुम्हारे हाथ के सत्तू के पराठ का जवाब नहीं है झा। What happened? Why are you crying? नहीं वो बस तुम्हें खिलाते खिलाते खुशी के आंसू आ गए। जानू don't cry ना। अच्छा सुनो, कल आर्ट विलेज चले, मामा का बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ उन्हें कुछ स्पेशल सा आर्टिफैक्ट गिफ्ट कर दूँ। अरे पर एमएस तो आज सुबह अपने बॉयफ्रेंड विनोद के साथ शिमला गया है, 6-7 दिन के लिए दुकान बंद रहेगी। बॉयफ्रेंड? हेलो हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर राजन झा प्लीज? या स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर, ऋषभ बोल रहा हूँ, मिस्टर प्रभुदेवा का सेक्रेटरी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर झा। प्रभुदेवा सर, हमारे बॉस को आपकी पेंटिंग बहुत पसंद आई है। ही वांट्स टू मीट यू। आपके और काम है वो देखना चाहते हैं। आपका कोई स्टूडियो है? हेलो मिस्टर झा। हेलो। नहीं हाँ जी है है। मे आई प्लीज गेट द एड्रेस? हेलो हेलो मिस्टर झा, आर यू देयर? हाँ जी, कोठी नंबर 66, हॉज खास विलेज, हॉज खास। ओके सर, वांट्स टू सी योर स्टूडियो दिस सैटरडे इवनिंग अराउंड 8:30। नहीं 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 शनिवार को नहीं, बट ही इज लीविंग फॉर द यूएस दिस संडे। बोलो। ओके सैटरडे इज फाइन। ग्रेट, सी यू देन, बाय। यस 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 यस। अब मजे करो। वाओ, काश ये घर हमेशा के लिए ऐसे ही रहता। बाबू ये तुमने हमें कहाँ फंसा दिया है? हमने आज तक अपनी जिंदगी में चोरी नहीं की है, कभी किसी से झूठ नहीं बोला है। हम ये सब सामान एमएस के घर से कुछ घंटों के लिए लाए हैं, इसे ना उधारी कहते हैं, चोरी नहीं। शनिवार के दिन ये प्रोग्राम रखना ही नहीं चाहिए था। तुम ना ये शनिवार का रट पहले छोड़ दो, कुछ नहीं होता ये सब। कुछ नहीं होता? हाँ। अरे शनिवार के दिन हमारे साथ सब कुछ गड़बड़ होता है। हाँ? शनिवार के दिन हमारी नानी मरी थी, शनिवार के दिन डीबीडी से शादी हुई थी, शनिवार के दिन कामिनी हमें छोड़ के चली गई थी, और अभी अभी पिछले शनिवार को हम बुरी तरीके से पिटे हैं सड़क पे। और वैसे भी ये लाफिंग मुद्दा, ये 2-4 पेंटिंग और ये टेढ़ी मेढ़ी चीजें दिखा करके हम प्रभुदेव को इम्प्रेस नहीं कर सकते। भलाई इसी में होती कि वो जानते कि हम एक गरीब कलाकार हैं, हो सकता है उनका दिल पिघल जाता और वो हमें। पापा का दिल कैसे पिघलता? तुमने उन्हें भी बुलाया? ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनके होने वाले दामाद के घर एक पेज तरीका आदमी खुद चलकर आ रहा है, और अगर उनके सामने ये डील हो गई ना तो सोने पे सुहागा। लगता है प्रभुदेवा जी आ गए, चलो चलो चलो। राजन जी, विनोदनी जी, अब क्या करें? हमने तुमको मना किया था ना, अगर उन्होंने अंदर झांक करके देख लिया ना कि ये सारा सामान है एमएस का, तो वो हमको चोर बोलेंगे। राजन, शनि जी का वार शुरू हो गया। अरे आपसे तो मिले महीनों हो गए हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट? सब ठीक है। अब लग नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो घर के अंदर कोई लाश पड़ी है क्या जिसे आप छिपा रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, तो फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड। ये पेंटिंग और ये सोफा, ये सब तो मेरे स्वीटू का है। हाँ स्वीटू का ही तो है। वो क्या है ना, आज हमसे मिलने के लिए प्रभुदेवा जी आ रहे हैं। प्रभुदेवा जी जो जानती हूँ, स्वीटू से सुना है उनके बारे में। तो बस थोड़ी देर के लिए हम उनका सामान यहाँ पर ले आए हैं, वो जैसे ही चले जाएंगे ना हम सारा का सारा सामान वैसे का वैसा वापस रख देंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं। अरे अरे ठीक है ठीक है, लेकिन ध्यान से रख देना, वजह तो आप जानते ही। ये है विनोदनी जी, द ग्रेट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, आजकल ये खरगोश बचाओ आंदोलन में व्यस्त हैं। अच्छा, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। और ये है स्वाति, हमारी फियांसी। आपने कभी बताया ही नहीं, बहुत सुना है आपके बारे में। क्या चल रहा है आजकल? कल जंतर मंतर पर धरना है सरकार के खिलाफ। हमारा नारा है सरकार हटाओ खरगोश बचाओ, सरकार हटाओ खरगोश बचाओ, सरकार हटाओ खरगोश बचाओ। निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया। ओए वाह भाई वाह, कलाकार का घर है। ओ बेटे पापा, आप ठीक तो है ना? आई ओके? ठीक हूँ बेटी। ओए लाफिंग बुद्धा, किन्ना सोना तन्नु रपड़े बढ़ाया जी कभी वेखदा रवा। बेटी जी, जी मुंडा कित्थे है? राजन, राजन आओ ना।
पापा हाँ जी। ये है राजन द ग्रेट आर्टिस्ट और राजन ये है मेरे पापा दिल्ली पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हेलो, मैं पुलिस में होने के साथ साथ कला को भी प्यार करता हूँ। तो उन्हें भी साथ ले आते। किसको? कला आंटी को। हेलो पापा। अंकल और पापा ये है विनोदिनी जी। विनोदिनी जी आइए ना। द ग्रेट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। ये ऊपर ही रहती हैं। अच्छा? जी मैं ऊपर इंडिपेंडेंटली रहती हूँ। जी ऊपर जाकर तो सभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। गुड्डू। देवताओं और ग्रहों के बीच खेले जा रहे T20 का मुकाबला आज समाप्त हुआ। इस मुकाबले में 9 होने के बावजूद भी ग्रहों ने एक बार फिर बाजी मार ली 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से, जहां मंगल ने नाबाद 106 रन शानदार दादा। वहीं शनि दादा दादा उठो नहीं तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएंगे। दादा दादा बिना घोड़ा बेच के सोते हैं। दादा उठो दादा दादा उठो। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे दादा मैच के चक्कर में ड्यूटी से ध्यान हट गया और इतने में अरे सीधे बताओ भूमि पुत्र, डोंट बीट अराउंड द बुश। वो जो राजन झा है ना, कई सालों के बाद एक पेंटिंग बनाई थी और उस इकलौती पेंटिंग को मानव के एग्जीबिशन में लगा दिया और हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, छोड़ कर जाते हैं तो सिर्फ अपनी निशानी। मानव जी, वेरी गुड जॉब। सॉरी सर, इट्स माय फ्रेंड्स पेंटिंग। राजन झा। अरे दादा वो प्रभुदेवा भी जा रहा है उसके घर उसके बाकी का काम देखने के लिए। तो इतना हाइपर क्यों हो रहे हो भाई? चलो उसकी बत्ती गुल कर देते हैं। जी लगता है वो लोग आ गए। कौन? शनि और मंगल। क्या? कुछ नहीं। क्या दादा, आपने तो बिल्कुल अंधेरा ही कर दिया। अरे भूमि पुत्र, तुम रहोगे उजड़ के उजड़। ब्रह्मा जी का वरदान है, अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करो। थोड़ा ब्लू ब्लू दिखेगा लेकिन दिखेगा सब कुछ। हेलो, बिजली वाले कह रहे हैं पूरे एरिया की गई है, जब सबकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। सॉरी। तुम्हारे पास कैंडल्स हैं? नहीं है। टॉर्च? नहीं है। माचिस? मैं बीड़ी नहीं पीता अंकल। इडियट, इस साली की गैस भी अभी खत्म होनी थी। राजन स्वीटहार्ट, मैं आ गया। स्वीटू बेबी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? डार्लिंग तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो अंधेरे के डर से यहाँ बैठी हूँ, धूप देखने के बाद मुझे डर लगता रहता है। ओके, मैं सामान अंदर रख के आता हूँ। ओके स्वीटू। मन के कौन? हम राजन। राजन, राजन। अब समझ में आया, तुम दिन के उजाले में कुछ और होते हो, रात के अंधेरे में कुछ और। विनोद के साथ शिमला जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी याद सताने लगी इसलिए वापस आ गया। अरे इतनी बारिश हो रही थी कि मेरी शर्ट गीली है, देखो देखो, देखो, बहुत गीली है, मेरी गीली है। हाँ, गीली है। और मेरा अंडे भी गीला है, देखो देखो देखो। विनोद जी, विनोदनी के नाम से डराता है? चल विनोदनी के पास चल, चल आराम से। अरे गिर गए, हम उठाते हैं आपको। उठा मत, ऐसे ही चले। गुदगुदी हो रही है। मैं तुम्हें सबसे मिलवा देता हूँ। अबे यहाँ और कौन कौन है? मेरी फ्रेंड स्वाति है और स्वाति द पियो सतपाल पोपली दिल्ली पुलिस। अरे वो एनकाउंटर वाले, इनकी तारीफ? ये एमएस हैं कि हमारे पड़ोसी हैं। स्वाति हम सबको ड्रिंक्स पिलाओ ना। हाँ हाँ, एमएस हाँ? आप क्या लेते हैं? जब जो हाँ? मिल जाए। हाँ? अभी के लिए तो रम ही ठीक है, थोड़ा गर्म होना चाहता हूँ। बड़ी गर्मी है क्या? तुम में स्वीट हार्ट और विनोदिनी जी आप? मैं नहीं पीती हूँ, पिताजी ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। नींबू पानी है तो वो दे दीजिए। काउच। क्या हुआ बेटी? चूहा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चूहा? यार ये सोफा मेरे सोफे जैसा फील दे रहा है। बिल्कुल नया लिया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। डिट्टो। धीरे धीरे तुम मेरे जैसे होते जा रहे हो, बिल्कुल नॉटी हैं। क्या हुआ? बाबू मुझे प्रभुदेव की इतनी टेंशन नहीं है, जितनी की एमएस की। अगर उसके सामान को कोई हाथ भी लगाए ना तो आग बबूला हो जाता है।
अगर उसे पता चल गया ना कि हम उसका सारा सामान उठा के यहाँ पर लाए तो मुझे तुम्हारे पापा के सामने चोर करेगा। इस उल्लू के पट्टे में तो जरा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे तो लगता है ये भंगेड़ी है। नहीं नहीं नहीं, गंजेड़ी है, गांजा पीता है कभी कभी। कौन? सुधीर, मेरा दोस्त सुधीर कुमार लोनली। एक ही बर्थ पे लेट के आए हैं। कौन? हम। नहीं, मेरा मतलब सुधीर और उसकी बीवी। क्या? मैं सारा का सारा सामान जो है ना मैं इसके घर में वापस रख देता हूँ, और जो सामान रह जाएगा उसके ऊपर चादर डाल दूंगा, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं पर शानू, तुम अंधेरे में इतना सब कैसे करोगे शानू? अरे उस उल्लू के साथ रहते रहते मुझे अंधेरे में चलने फिरने की प्रैक्टिस हो गई, तो मैं जुगनू की तरह अपने अंदर से रोशनी प्रकट करके सारा का सारा सामान इधर से उधर कर दूंगा। ठीक है। नहीं नहीं पर जानू, मुझे एक बात बताओ, जुगनू लाइट कहाँ से निकालता है जानू? स्वीटू, पता है आज यहाँ कौन आने वाला है? हैं जी? कौन? गेस करो। अरे तुम ही बता दो, आई कांट गेस। जब भी तुम्हारे पास होता हूँ ना मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मशहूर आर्ट कलेक्टर प्रभु देवा जी राजन जी से मिलने यहाँ आ रहे हैं। तब तो राजन के अच्छे दिन आने वाले हैं। लेट्स सेलिब्रेट दैट ईयर। पंखधारी चूहा राजन, तेरे यहाँ कहाँ से आ गया? अरे आप लोग आराम से बैठिए, स्वाति आपको ड्रिंक्स पिलाएगी, हम कैंडल्स का इंतजाम करके आते हैं वापस। ले आ। अरे तो इतनी जोर से पांव पटक के जाने की क्या जरूरत है? क्या हुआ पापा जी? कोई है यहाँ पे? किसी ने मेरे पैरों पे कुछ मारा? कोई नहीं, हम सब लोग हैं, मैं ड्रिंक्स बना के लाती हूँ। ठीक है। इसी तरह से प्यार करती रहो जब तक लाइट ना आ जाए। मैं तो चाहूंगा कि लाइट आए ही ना। ओ स्वीटू, डर नहीं लग रहा होगा कि अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? ओए लाफिंग बुद्धा। हैं? लाफिंग बुद्धा कितना सोड़ा तेनू, इसके पास भी लाफिंग बुद्धा आया। ओए किथे गया वो लाइटर? तो वही रह गया। तुम यहाँ आओ। मैं किथे पहुंच गया? मजा आ गया। तुमसे किथे? मेरे लिए कुछ हार्ड थिंग, मतलब हार्ड ड्रिंक देना। जी एमएस बस अभी लाई। अरे बाबी, आ भाग गई। पापा, आई ओके? मजे में हूँ बेटी। मजे में? कैन आई हेल्प? अंकल, हेलो। क्या कर रहे हो अंकल? अभी नहीं अंकल, बाद में फोन नंबर दे दीजिएगा। 9811। ओबे तेरी फोन नंबर। क्या करते हैं अंकल, नौटी हैं बहुत। रॉकिंग चेयर। मेरे लिए कुछ हार्ड थिंग, मतलब हार्ड ड्रिंक देना। जी एमएस अभी लाई। आप लोग वहीं पर बैठे हुए हैं ना? बेटी मैं यहाँ हूँ, ड्रिंक लायो। क्यों है? कैन यू हियर इट? एक मिनट ले 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 मेरी ड्रिंक, मेनू दियो मेनू दियो मेनू दियो। नींबू पानी। मेरी विस्की। और मेरा वोडका। मैं फिर से फ्रेश ड्रिंक्स बना देती हूँ, दे दीजिए। मेरी ड्रिंक इधर दे, इधर इधर इधर, टिंग टिंग टिंग, हियर द साउंड। मुझे वहाँ तक ले चलो, मैं खुद बना लूँगी। ओके विनोदिनी जी, आप मुझे अपना हाथ दे दीजिए। बेबी हाँ ये लीजिए। मेरा पटियाला पुत्र। हाँ भाई इनको पटियाला दो। बैठ जाइए, ये यहाँ पर आइस है और ये रहा नींबू शक्कर। ठीक है ना? ठीक है। विनोदिनी जी आई ओके? स्वीटू। हाँ स्वीट हार्ट। आपकी वो फेवरेट क्लाइंट मिसेस मालिनी कैसी है? अरे कोई फेवरेट फेवरेट नहीं है, ना रूप ना अदा, समझती है खुद को जया प्रदा। अरे ये तो राइम हो गया। मेरी बादी। पापा। आ, क्या हुआ? कोई नहीं। अरे हाँ बेटी। पापा। क्या क्या हो रहा है? अरे अरे मेरी तो दसों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हट तो कड़ी की औरत। क्या? मैंने गुस्से में कहा। किससे? मालिनी से। पापा जी आप कहाँ हैं? क्या कर रहे हो अंकल? अभी तो मालिनी के बारे में बात कर रहे थे, अभी अंकल के पास कैसे पहुंच गए? सुटू मैं नहीं गया था उनके पास, वो आए थे मेरे पास फेवर मांगने। फेवर? तुम तबला बजा लेते हो? हम तो सैक्सोफोन बजाते हैं। सैक्स
फोन चुप रह। तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा। अंकल क्यों अंधेरे में बार बार ऐसे उकसा रहे हो? एक ही बार फोन नंबर देके बात क्यों नहीं खत्म करते हो? नंबर नोट कर। क्या कर रहे हो अंकल? हम सब कुछ रख दिए सिर्फ इस बीच वाले सोफे को छोड़ के। लाविंग बुद्धा और वो तलवार वाली आंटी रह गई हैं। उसके ऊपर भी हमने चादर डाल दी है। देख के जानना मुश्किल है कि क्या है। देखो हमें प्रभु देवा की इतनी टेंशन नहीं है जितनी कि तुम्हारे पापा की। तुम्हारे पापा को ये नहीं लगना चाहिए ना कि उनका होने वाला था जो है वो चोर है। आई लव यू बेबी चल। आई मस्ट टेल यू योर रियल प्लेयर। स्वाति स्वाति अरे जानू बाबू एक बात बताओ अगर तुम्हारे पापा को कामिनी के बारे में पता चल गया तो वो कैसे ही में मेरा एनकाउंटर कर देंगे? ऐसा ऐसा क्यों पूछ रहे हो जानू? किसकी माँ की? किसकी माँ की? वो भी अंधेरे में। स्वीटू हाँ जानू कहाँ हो? यहाँ पे। सेरा कब बांधोगे? डोली कब उठेगी मेरी? मैंने कहा था ना अगले सावन में तेरी। अगला सावन? पिताजी आपके संस्कार। 17 साल की थी समीर से मुझे प्यार हुआ। बाप को पता चला तो उसकी जम के पिटाई कर दी गई और मुझसे कहा बेटा तुम अभी छोटी हो। उस समय तुम छोटी थी। नहीं, तुम्हारा भी समय आएगा जब तेरा सपनों का राजकुमार आएगा और तुझे टोली में बिठा के ले जाएगा। कहाँ है वो भूतनी का? Oh shit! Sorry everybody, नींबू पानी चढ़ गया। मैं इसको लेके जाता हूँ। But uncle, yeah, I will be back. मैं घंटे भर में आता हूँ, okay? Please uncle, घंटा वेट करना। तुम्हारे पापा होंगे। तू कब वापस आया? अभी अभी। आउच, पानी पानी किसने डाला? पानी कैसे आ सकता है? पानी 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 और चलाइए गोलियां हैं और चलाइए गोलियां। हमारी पानी की टंकी फट गई होगी। अब हम लैंडलॉर्ड को क्या जवाब देंगे? अब मुझे कोई भुद्दू नहीं बना सकता। हमारे अलावा और भी इस घर में है कोई? हम कह रहे अंकल हमारी भाई आई है। केला भाई भाई केले। हाँ जी। वो साहब जी दिन में नहीं ना आ पाए थे और वैसे भी राजन साहब का कमरा गंदा रहता है ना तो हमें रात को गंदगी के सपने आते हैं। और वैसे भी राजन साहब तो ऐसे ही है जहाँ जो चीज पड़ी रहती है बस पड़ी ही रहती है। ब्रा पैंटी कॉन्डोम। ए खसमान उखाड़िए ऐसी गंदी बातें मत करो। यहाँ पर उसकी मंगेतर और उसके कामिनी वो यही तो रहती है इसी छत के नीचे। राजन तूने मेरी बेटी के साथ चीटिंग की है। आज तेरा एनकाउंटर होकर ही रहेगा। तू आज बचेगा नहीं। ओए बेटे गोली खत्म हो गई लेकिन एनकाउंटर तो तेरा हो गई बच्चू। अरे अंकल इसको पकड़ के रखना छोड़ना नहीं। ये आरामपुर की दम के सुताई करते हैं। अरे मेरा घर भी ऐसा बना रखा है जैसा घर नहीं कबाड़ खाना हो। विनोदनी ने मुझे बताने की कोशिश की लेकिन पता चल बेहोश हो गई। अच्छा ये बता एक मिनट अंकल पूछने दो ये क्या है? मैं हैं जब इससे पूछा ये खरीदा है क्या तो कह रहे कल ही खरीदा है। आपके साथ में कितनी डिटो है डिक 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 और ये क्या है? मैं हैं हमारा कुछ सामान है। सामान की तो ऐसी की तैसी इसको ऐसे उठा के ऐसे फटकू। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे पिछले हफ्ते ही खरीदा था मेरा लाफिंग बुद्धा। अरे तेरी माँ की। अरे हथियार वाली महिला आज हथियार काम में आएंगे। कम ऑन एमएस। पहले तो मैं तेरी टांग काटूंगा फिर मैं तेरी टांग काटूंगा। तेरी प्रॉब्लम है ताकि अच्छे से तुम इससे निपट सको।
का भाई, इस हरामखोर ने तुमको भी धोखा दिया है। मैं बाद में बताता हूँ, ये पकड़ो अंकल। एक दो तीन गिनो। एक दो लगी तो नहीं? नहीं अंकल, बस थोड़ी सी सिलाई उतरी है। सॉरी। कुदकुदी के लिए काहे का सॉरी। पापा, वो बेचारे की कोई गलती नहीं है। दरअसल ये पूरा चोरी का आइडिया मेरा ही था, और अब तो उसका कामिनी से कोई नाता भी नहीं है। बेचारा बेचारा वो कुछ नहीं है, एक नंबर का हरामजादा है वो। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो उसके साथ जिसका तुम पहला प्यार होगी। अब चार चार बार तेरे साथ धोखा हुआ है। मैं कल ही न्यूज़पेपर के मेट्रोमोनियल कॉलम में इश्तिहार दूंगा और तेरी शादी करवाऊंगा। चलो बेटी, अब तेरे सारे रोमांसेस खत्म, शादी मैं करवाऊंगा। अंकल पहले अपना नंबर तो देते जाइए, मुझे भी अपना एनकाउंटर करवाना है अंकल। सब उस तिब्बती डॉक्टर का कमाल है। मैं मलेशिया जाकर भी उसके टच में रही थी। उसके अतरंगी नुस्खों से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और मजे की बात तो यह है कि अब मैं अंधेरे में भी देख सकती हूँ और उजाले में भी। हम ग्रह लोग क्या इतने बुरे हैं? अरे दादा, डोंट बी इमोशनल। याद है ना आपको ब्रह्मा जी और उनकी नाराजगी? दादा, उस लड़के की मंगल महादशा शुरू हो चुकी है और पंचम शनि भी। उसका तो अच्छा समय आने वाला। अरे आने वाला नहीं, आ चुका है। पर दादा, वो पोपली 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 का क्या करे? कल ही अखबार में उसके फेक इनकाउंटर के बारे में छपवा रहा हूँ। सस्पेंड होगा, केस चलता रहे। बहुत बढ़िया दादा, बहुत अच्छा। पर दादा, वो डीवीडी का क्या करे? वो बेचारी का ऐसे ही कुंवारी रह जाएगी। उसका तो कुछ सोचना चाहिए हमको। नहीं भूमिपुत्र, तुम खेती बाड़ी करने वालों को ब्रह्मा जी ने ग्रह कैसे बना दिया, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या मजाक है? अरे भाई, दादी जी ने माफ कर दिया है, वो दोनों पटना जा रहे हैं। ये शादी भी कौन शादी है? सुहागरात वाले दिन दुलाई भाग गया। किस्मत है डीवीडी बहन की। देख के का? वहां देखो तो कैसा रहेगा अपनी बहन डीवीडी। बोले थे हम, बोले थे जीजाजी ट्रेन में खोए हैं और ट्रेन में मिलेंगे। सारी गलती मेरी है। पहली गलती तुम्हें छोड़कर जाने की, दूसरी वापस आ जाने की। पर मैं क्या करती? मैं आ जाकर लगा कि तुम सही हो। कुदरत के किचन में भी क्या क्या खिचड़ी पकती रहती है। हेलो सर। ऋषभ सर, बॉस आज कुछ बिजी चल रहे हैं। अच्छा, तो नहीं आ रहे हैं। बट देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आपको हमारे ऑफिस मंडे को आना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। 30 लाख पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। एडवांस में 5 लाख का ड्राफ्ट भी मिल जाएगा। ओके okay. Congratulations then. See you on Monday. Bye. Thanks. क्या हुआ जा? प्रभुदेव नहीं आ रहे? तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मेरे सपनों पे पानी फिर गया। तुमने तो आज तक हमें कभी किसी चीज के काबिल समझा ही नहीं। मंडे को जा रहे हैं उसके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हम करोड़पति बनेंगे। हमारा परवर्जन ही हमें नेम एंड फेम दिलाएगा। कंग्रेचुलेशंस। स्वाति के साथ जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आई वाज जेलस। You love Swati, right? हम प्रोसेस में थे, तुम्हें भुलाने के प्रोसेस में। तुमने तो कहा था सुमित्रा से कि जब तक हम अपने जीवन में किसी नए इंसान को नहीं आने देंगे तब तक हम ब्रेकअप के ट्रॉमा से उभर नहीं सकते। तो
हमने भी अपने दिल का दरवाजा खोल दिया और डोंट यू लव हर? नहीं, आई स्टिल लव यू. जा, यू क्रेजी. क्रेजी फॉर यू. क्या देख रहे हो? कुछ तो इंसान की प्राइवेसी का ख्याल रखिए यार. ये डर्टी पिक्चर नहीं है कि लड़का लड़की पास आकर अपनी आंखें बंद किए नहीं, आपने अपनी आंखें फाड़ ली. जिंदगी आंखें फाड़ने या आंखें मूंदने से नहीं चलती है. उठा पटक जद्दोजहद का नाम ही जिंदगी है. भाई मंगलू जी, चलो अब इन्हें कुछ सालों तक छोड़ ही देते हैं. ठीक है, लेकिन अब क्या करें? अब हैं? सावधान हो जाइए, अब आपकी बारी है. तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा.